बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट कमर कयूम की जानिब से तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीगल टर्म्स, जो कि मैं आसान उर्दू अल्फाज में बयान करूँगा ताकि जो मेरे भाई इंग्लिश नहीं जानते हैं उनको उर्दू में आसानी से समझ आ सके। लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस जो आने वाली हैं आप उनको बआसानी देख सकें। पहली जो टर्म है हमारे पास वो है कैंसिलेशन, जिसे मनसूखी कहते हैं। सेकंड पे है हमारे पास केस डायरीज, जिसे ज़मनी कहते हैं। नंबर थ्री पे हमारे पास कॉज ऑफ एक्शन, जिसे बनाए दावा कहते हैं। नंबर फोर्थ पे है हमारे पास कॉज लिस्ट, फहरिस्त पेशी कहते हैं। नंबर फिफ्थ पे है हमारे पास सर्टिफाइड कॉपीज, मुसद्दका नकूल कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है सिक्स, चार्ज, जिसे हम फर्द जुर्म कहते हैं। नंबर सेवन्थ पे हमारे पास आता है सिविल मिसलिनियस, जिसे हम दीवानी मुतफरक कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसे हम मजमूआ जाब्ता दीवानी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास सिविल केस, जिसे दीवानी केस कहते हैं। नेक्स्ट नंबर इसके बाद आता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मजमूआ जाब्ता फौजदारी। इसके बाद आता है हमारे पास कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसका मतलब है काबिले दस्त अंदाजी जुर्म। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसका मतलब है ना काबिले दस्त अंदाजी जुर्म। उसके बाद है कंप्लेनेंट, जिसका मतलब है मुस्तगीस। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास कंप्रोमाइज शीट, जिसका मतलब है राजीनामा। बाद है कंपनसेशन फॉर हर्ट, जिसका मतलब है अर्श। नेक्स्ट नंबर पे आता है कन्फेशन, जिसका मतलब है इकबाले जुर्म। इसके बाद है कंसोलिडेशन, जिसका मतलब है इस्तेमाल। नेक्स्ट नंबर पे है कोरेस्पोंडेंस, जिसका मतलब है मरासला। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जो आता है वो है क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसका मतलब है जिरह। नेक्स्ट नंबर पे है हमारे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसका मतलब है तोहीन अदालत। इसके बाद है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब है आईन। नेक्स्ट नंबर पे जो हमारे पास है वो है क्रिमिनल, जिसका मतलब है फौजदारी। उसके बाद जो है वो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसका मतलब है ख़यानत मुजरमाना। लास्ट पे जो है वो है हमारे पास कस्टडी, जिसका मतलब है हजानत। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मज़ीद मैं आपके सामने लीगल टर्मिनोलॉजीज़ के साथ हाज़िर हूँगा। और जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उसे आसान से आसान ज़बान में बयान किया जा सके। शुक्रिया।